Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This is our second chapter. बहुत लेंदी वीडियो नहीं बन पाती है, चलो इसी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. अबाउट द ऑथर अनीश जंग, 1964. ही वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके पेरेंट्स जो थे दोनों के दोनों राइटर्स थे. अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हेयर शी एनालाइजेज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विद विच कंडेम दी चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जो मजबूर करती हैं एक तरीके से इस तरह की जो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है उसको जीने के लिए. ग्रिंटिंग पावर्टी जो पीसती है, जो गरीबी जो जो लोगों को पीसती है, एक्सप्लॉयट करती है, सब्ड्यूट करती है, ऐसी पावर्टी के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. एक मिनट में लूँगा स्प्रिंग के वर्ड पर. जैसे कि सीजन्स में सबसे अच्छा सीजन स्प्रिंग कहा जाता है, माना जाता है, वैसे इंसान की लाइफ में चाइल्डहुड का जो फेज होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है. इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है लॉस्ट स्प्रिंग, जहाँ पे स्प्रिंग नहीं है कुछ भी. सीजन जो है दैट इज़ लॉस्ट, मीन्स चाइल्डहुड जो है दैट इज़ स्टोलन बिकॉज ऑफ पावर्टी एंड सम ट्रेडिशंस ऑल्सो. क्या क्या रीज़न है वो देखेंगे. पहली लाइन आती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये कौन कहता है उसके बेस उसके ये एक टैग लाइन है जिसके बेस पर ये छोटी सी स्टोरी है. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. एक लड़का है साहिब, उससे ऑथरेस पूछती हैं कि आप ये क्यों करते हो. Scrounging for gold in the garbage. Garbage जो dumps होते हैं वहाँ पे वो आपने देखा होगा कूड़े कचरे के ढेर पे बच्चे बहुत सारे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं. ऐसे ही यहाँ गोल्ड बोला है कि जो कुछ भी उनके लिए प्रीशियस होता है, जो कुछ भी उनको मिलता है वो किसी गोल्ड से कम नहीं है. दे आर सो पावर्टी रिडन दैट वॉट एवर दे गेट मी लाइक वन रुपी नोट, फाइव रुपी नोट या फिर कुछ भी जो घर में इस्तेमाल हो सकती है या उनके लिए कुछ जैसे लाइक कोई शू, बेकार शख्स ने शूज़ अपने जो है फेंक दिए, रिटर्न कर दिए उनको, तो वो किसी गोल्ड से उनके लिए कम नहीं है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब के बारे में जो मेंशन किया तो साहिब के बारे में थोड़ा सा बताया कौन है क्या है. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ ने बताया है कि उसके भी उसका जो फील्ड भी थे, खेत भी थे, जो बहुत सारे स्टॉर्म्स जो हैं उनको उन्होंने स्वैप कर दिया था, स्वैप्ड अवे, उड़ा के ले गए छान छप्परों को, सब चीज़ों को. एंड दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. इसलिए उन्होंने अपनी उस जगह को छोड़ दिया. जो जो घर उसकी दूर दूर तक कहीं यादों में नहीं है उसके बारे में उसकी माँ ने उससे बताया है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे. दूसरी तरफ देख रहा है और धीरे से बड़बड़ा के धीरे से बोला. देखिए जो आंसर क्वेश्चन जो पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, इसका आंसर यहाँ दिया है आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. गो टू स्कूल आई से ग्लीबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो ऑथरेस बोल ने एक एडवाइस दिया कि स्कूल चले जाओ कुछ नहीं करने के लिए. तो ग्लिबली होता है विदाउट थिंकिंग, कुछ भी बात जल्दबाजी में बोल देना, बाद में सोचना रहे मैंने ये क्या बोल दिया. तो रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, बाद में उसने ये रियलाइज़ किया कि मैंने जो एडवाइस दी है ये कितनी खाली है, माने यूजलेस है, कोई जरूर कोई इसका यूज़ नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं था ये देने के लिए एडवाइस. जो इंसान गार्बेज डम्प्स पर जो है यू नो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, स्क्राउंजिंग कर रहा है,
वो इंसान स्कूल, उसको आप स्कूल जाने की एडवाइस दे रहे हो, स्कूल जाने के लिए कहाँ से उसके पास इतने पैसे आए? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई गो। उसने बोला कि मेरे नेबरहुड में मेरे कहीं घर के आसपास कोई स्कूल है नहीं, जब वो बना देंगे वो मतलब कोई अथॉरिटी जो 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 भी अथॉरिटी है तब मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक के मूड में आकर फॉन्डिंगली उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं स्कूल शुरुआत करूँ स्कूल की तो क्या होगा? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बोला हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? अब कुछ दिन बाद ऑथरेस को वो खुद लड़का मिलता है, लड़का खुद दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? उस बच्चे को क्या मालूम था कि स्कूल ऐसे इतनी जल्दी तैयार नहीं होते और टाइम लगता है, बिल्डिंग वगैरह सब चीज़ होता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस। थोड़ी सी मुझे शर्म भी आ रही थी, परेशान भी थी, दुखी भी थी, थोड़ी शर्म आ रही थी किस चीज़ की वजह से, कि मैंने एक प्रॉमिस कर दिया था। क्या? ये बोला था इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। इसलिए उसको थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी, थोड़ा लग रहा था कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसके साथ में। दैट वॉज नॉट मेंट, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, माने वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था उसने, कोई प्लान नहीं था ना कोई इंटेंशन थी स्कूल खोलने की ऑथरेस की। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसी प्रॉमिस मैंने की थी, इस तरह की उसकी लाइफ में, उसकी जो ब्लीक वर्ल्ड है, जो निराशा का जो वर्ल्ड है, अंधेरा जो वर्ल्ड है, हॉलो जो वर्ल्ड है, खालीपन है, जो एम्प्टी वर्ल्ड है, उसमें इस तरह की प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा हैं, अबाउंड हैं, हर कॉर्नर में पड़ी हुई हैं। आज मैंने कुछ कह दिया, कल को किसी और इंसान ने कुछ प्रॉमिस कर दिया होगा कि मैं तुम्हें शूज़ दे दूँगा, और वो शूज़ का इंतजार करता रहा, ना उससे मुलाकात हुई, ना शूज़ उसने दिए, ना कुछ ऐसे। तो बहुत सारी ऐसी प्रोमिसज़ होती हैं जो छोटी छोटी प्रोमिस लोग कर देते हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। जब काफ़ी टाइम हो गया और जब डेली लगभग लगभग हमेशा आए दिन मुलाकात होने लगी, तो फिर मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने नाम बताया साहिब आलम, इट इज़ हिज फुल नेम। He announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. जब उसने बताया कि साहिब आलम, तो ऑथरस कहती हैं कि he does not know what it means. अगर उसे अपने नाम का पता चल जाए क्या मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो he would have a hard time believing it. भरोसा ही नहीं हुआ उसको। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अपने नाम के मीनिंग से अनभिज्ञ, अनजान, वो क्या करता है? अपने दोस्तों, ऐसे जैसे खुद है वैसे उसके दोस्त हैं, उनके साथ में वो स्ट्रीट्स पर रोम घूमता है। An army of barefoot boys. क्या बोला उसने? एक आर्मी है barefoot boys, जो नंगे पैर घूमती है। Who appear like the morning birds and disappear at noon. जो सुबह सुबह मॉर्निंग में दिखाई देते हैं, जैसे चिड़ियाँ दिखाई देती हैं, बर्ड्स दिखाई देती हैं, और दोपहर जब हो जाती है, गर्मी जब बढ़ जाती है, तब वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कुछ काफ़ी महीने हो गए हैं, तो बाई फेस तो मैं लगभग लगभग सभी को पहचान चुकी हूँ। आई विल बी सेंडिंग यू अनदर वीडियो ऑफ 8 to 9 मिनट्स।